हरियाणा के खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संदीप सिंह पर एक जूनियर महिला कोच ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया है। संदीप सिंह पर महिला कोच ने पीछा करने, अवैध रूप से बंधक बनाने, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी देने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। इस विषय पर हमने ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट जगमती सांगवान से बात की। साथियों, हरियाणा के अंदर वहाँ का जो खेल मंत्री है उस पे एक बहुत ही जानी मानी खिलाड़ी और हरियाणा सरकार की एक स्कीम में काम करने वाली कोच ने यौन हिंसा, यौन शोषण और फिर जब उसने समर्पण नहीं किया तो बलात्कार के अटेम्प्ट का आरोप लगाया। उसके बाद FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन हरियाणा सरकार जो है वो मंत्री को लगातार बचा रही है और मुख्यमंत्री ने खुद ये बोला ऑन रिकॉर्ड आकर कि किसी लड़की ने खेल मंत्री पे अनर्गल आरोप लगाए हैं, ऐसे उनको हटाया नहीं जा सकता। ये जो मुख्यमंत्री है इनको सोचना चाहिए कि कोई लड़की जो है वो किसी के ऊपर किस हालात में जाके आरोप लगाती है और अनर्गल कहने का क्या मतलब है। उनको इस बात के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखे कि लड़की जो है वो कोई खेल मंत्री की पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर नहीं है, उसकी कोई रंजिश उनसे नहीं है और उसने कभी भी इससे पहले उनकी कोई उस तरह की शिकायत नहीं की है। तो वो और उस लड़की को ये भी पता है कि जब किसी मंत्री के साथ पंगा होता है तो पूरा खेल करियर जो बिल्कुल दिन रात एक करके खेल करियर बनता है इंटरनेशनल लेवल का, वो उसका दाव पे है। घर वालों ने पूरा अपना घर का बजट निचोड़ कर उसकी ट्रेनिंग पे लगाया हुआ है, वो दाव पे है। और सबसे बढ़ के ये है कि लड़की के भविष्य के लिए इसकी बहुत गंभीर इम्प्लीकेशंस होती है। हमारे यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक जिस तरह का माहौल है, तो क्यों कोई लड़की बेबुनियाद आरोप लगा के अपना इतना ज़्यादा दाव पे लगाएगी। तो ये जो कहा गया उनके द्वारा ये बहुत आपत्तिजनक है और हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हरियाणा जो है वो पूरे देश के कानून से ऊपर नहीं है और कानून ये कहता है कि जब सेक्सुअल असॉल्ट है तो FIR दर्ज होगी है तो उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए और केस को आगे बढ़ाना चाहिए और तुरंत उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री से जो है ड्रॉप किया जाना चाहिए। वो नाटक क्या कर रहे हैं हरियाणा सरकार की, हमने उनका स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो जो है वो वापस ले लिया है, वो भी उसको नोटिफाई नहीं किया, 7 दिन तक उसको मतलब होल्ड करके रखा। जब हमने प्रोटेस्ट किए वहाँ पे विमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस और वहाँ की जो पंचायतें हैं, खा पंचायतें हैं, लड़की के गांव के लोग हैं, जब सब ने प्रोटेस्ट किया है तब वो पोर्टफोलियो जो है वो नोटिफाई हुआ है। और हम ये बताना चाहते हैं कि लड़की ने जो कल ही जो बयान दिया था कि उसको लगातार धमकियां दी जा रही हैं, लगातार उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मंत्री के इशारे पर जो हरियाणा सरकार ने SIT बनाई है वो असल में उसके चरित्र का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बनाई है, क्योंकि क्राइम तो ये चंडीगढ़ में हुआ और लड़की जब हरियाणा पुलिस के पास FIR दर्ज करवाने गई तो उसको बताया गया कि आप चंडीगढ़ पुलिस के पास जाएं। इधर से ये SIT गठित की गई है और फिर लड़की ने ये भी बताया कि उसको लालच भी दिया जा रहा है, 1 करोड़ रुपए जो हैं वो ऑफर किए गए कि तुम देश छोड़ के चली जाओ 1 महीने के लिए। और अब अच्छी बात ये है कि लड़की ने जो फ़ोन कॉल आई थी, कोई वो स्पोर्ट्स एसोसिएशन का बंदा है, क्योंकि ये संदीप सिंह जो है केवल खेल मंत्री नहीं थे, ये हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, अभी भी हैं और अध्यक्ष जो है वहाँ से भी नहीं हटाया गया उन्होंने। तो उस बंदे का लड़की ने जब नाम दिया है SIT चंडीगढ़ को, तो ये आइडेंटिफाई हो चुका है कि वो बंदा कौन है जिसने उसको कॉल की थी और अभी तक भी उसको हटाया नहीं जा रहा है। और तमाम एजेंसी जो हैं जो लड़कियों को इस उनके मान सम्मान को बचा के रखने के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए बनाई गई हैं, वो भी मंत्री के प्रोटेक्शन में आ रही है। लड़की को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। महिला आयोग जो है, महिला आयोग की अध्यक्ष ने पहले ही दिन लड़की को बुलाया नहीं, उससे कोई बातचीत नहीं की, उसने जो मेल भेजा वो देखा तक नहीं और मंत्री से केवल बात करके महिला आयोग के अध्यक्ष ने कह दिया कि आरोप अविश्वसनीय लगते हैं।
तो ये जो माहौल चल रहा है कि एक ऐसी हमारे हरियाणा की होनहार खिलाड़ी जो आने वाले समय में भी मेडल देगी, पहले भी मेडल दिए हैं, उसको बिल्कुल अलग थलग डालने की कोशिशें, और सारा सरकारी तंत्र जो है वो एकजुट हो गया है मंत्री को बचाने के लिए। और हम ये देखते आ रहे हैं कि जो हरियाणा की सरकार जिसने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो नारा दिया था, जब भी कोई महिलाओं के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट की घटना आती है तो वो बेटों को बचाते हैं। पहले बीजेपी के अध्यक्ष ने एक लड़की के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया था, तब भी सारा मंत्रिमंडल और सारा बीजेपी का जो ढांचा है वो उस लड़के को बचाने के लिए आगे आ गया था, और अभी भी ये देखने को मिल रहा है। तो ये खोखले नारे देने वाले हैं, और तमाम जो सामाजिक संगठन हैं उनको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और ये मांग जोर शोर से उठाई जानी चाहिए कि खेल मंत्री को कैबिनेट से हटाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है हरियाणा की जनता से माफ़ी मांगे हमारी लड़की के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने के लिए, और पूरा जो न्याय की प्रक्रिया जो है वो कानून के हिसाब से चलाई जाए, किसी की मर्जी या किसी की धौंस या सत्ता के दबाव में ना चले। और अभी जिस तरह से सरकार की तरफ से लगातार उसको हटाने में डिले किया जा रहा है, बचाया जा रहा है, तो तमाम हरियाणा के अंदर इस आंदोलन के लिए समर्थन जो है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले कंजावला में बहुत बड़ी किसानों की, खापों की, सामाजिक संगठनों की, महिला संगठनों की, सबकी बड़ी महापंचायत हुई थी, और अब उन्होंने 7 दिन का समय दिया था कि 7 दिन में उसको हटाया जाए। जैसे ही वो समय ख़त्म होगा दूसरी महापंचायत जो है वो दूसरे इलाके के अंदर रखी गई है। और इसी बीच में कुछ लोग जो हैं वो सिख कम्युनिटी के नाम पे भी उनको आगे लाने की कोशिशें की जा रही हैं। हम अपने बहन भाई जो हैं सिख कम्युनिटी के, उन सब से ये अपील करना चाहते हैं कि वो सरदार भगत सिंह के वारिस हैं और हमारे दिलों में उनके लिए बहुत ज़्यादा जगह है, लेकिन इस तरह के जो तत्व हैं जो उनको बदनाम करवाते हैं, जो उनकी गरिमा को गिराते हैं, उनको अपने से अलग थलग करना चाहिए, और उनको कहा जाना चाहिए कि भाई कानून को फेस करो, FIR दर्ज हुई है। ये पोजीशन हमें सबको इकट्ठे मिलके सब नागरिकों को लेनी चाहिए।